अरे धक्का क्यों यही चलेगा इधर इधर जाओ आप कहीं बैठ मत काम चालू है काम चालू है हुआ क्या नहीं सर काम अभी बहुत कुछ चालू हुआ काम चालू है से बहुत कुछ चालू हुआ एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया और चूंकि इतनी सीरियस और संवेदनशील फिल्म थी रियल स्टोरी थी और लेकिन एक पूरी यूनिट ने पलाश ने सब ने मिल के ये फिल्म को इसने हृदय से जीने की कोशिश की कि सिंपल हार्ट बहुत रियल था और बहुत सिंपली इसको बनाने की कोशिश की और आज वो पूरे सप्ताह जो है वो अच्छी रेटिंग के साथ में देखने को मिली और थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी देखी उनका आशीर्वाद मिला बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले सबका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ प्लीज़ जी फाइव पे जाइए और जी फाइव जो डाउनलोड कीजिए और फ्री में फिल्म देखिए अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिए बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम सो हैप्पी फ्लैश बधाई सर हम ये सर ने एक दो सीन्स इतने कमाल के किए हैं इसके मतलब मैं देख मैं इनका को एक्टर हूँ एक ही सीन के लिए हूँ इनके साथ लेकिन इन्होंने दो सीन्स मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास किए हैं दिल से बोल रहा हूँ मैं एक सीन की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत एक सीन से हुई है शुरू से तो मैं समझता हूँ कि एक सीन की क्या कीमत है अच्छा एक्टर आप जैसा मिल जाए तो सौभाग्य होता है चलो ये फिल्म क्या है ना एक माता पिता हर माता पिता जो अवेयर रहता है कि ये ना मेरा बच्चा सेफ रहे मेरा ये जो माँ है उससे और एक पिता है बाकी सब लोग देख ले आशीर्वाद सबके लिए अवेयरनेस के लिए जागरूकता के लिए है लेकिन एक पिता का रोल करके एक उस पिता को श्रद्धांजलि मतलब ये बोलते ना कि अपनी तरफ से जिसने खोया है जो राजू 5 मिनट हम गा रहे हैं बहुत बड़ा है वो घर की लक्ष्मी उसके कदम हम लोग तो जब तक पैर ना पूजे जाए उसके पैर हमारे यहाँ पे ये रहता है कि जब तक बच्ची की शादी ना हो तब तक हम सब लोग उसके पैर और वो उसका सपना है वही चला जाए तो ये कॉमेडी तो खूब करेंगे तो और भी उछल कॉमेडी करेंगे लेकिन ये बीच बीच में जो एक बोलते ना कि जहाँ से आंसू निकलते हैं और वहीं से हंसी के फपारे होते हैं आँखों में हंसी निकलते हैं जिस मुँह से रोना होता है उसी मुँह से हंसना होता है तो हमेशा हंसाते हुए बीच बीच में थोड़ा सा रुलाना ताकि बैलेंस हो जिंदगी और लाइफ इज बहुत खुश हूँ और एक अच्छी थैंक यू इम्पा थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने उसकी स्क्रीनिंग के लिए लाइक समझा इस फिल्म को और कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मों का फेयर है और इस फेयर में जो है काम चालू है हमारी फिल्म को भी मौका मिला है तो अच्छा है बहुत 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 खुश हूँ थैंक यू नहीं बहुत सारी हैं अच्छी हैं अब हमेशा पूरे साल में 2-4 बिग कॉमर्शियल फिल्मों का हिस्सा होने का सौभाग्य है और बीच बीच में मनोरंजन के साथ में मनोरंजन तो इसमें भी है लेकिन एक मीनिंग भी तो दोनों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और यही पिछले 20 साल से करना आज पहला सर की सक्सेस पार्टी क्या कुछ बोलना चाहोगे आप नहीं बहुत अच्छा है सबने बहुत अच्छा काम किया है और मूवी जिस तरीके से चल रही है
मतलब हमने सोचा ही था एक्चुअली जब बन रही थी कि इस तरह से जाएगी वर्ड ऑफ माउथ से, बिकॉज बहुत अच्छा मैसेज है. तो आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. टाइटल ट्रैक जो हमने किया यही. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू. देख रहा हूँ आपको कैसी लगी काम. नमस्कार. सबसे पहले तो मेरा नाम सुरेश पंडित. फिल्म तो मतलब मैं काम उसमें काम किया था. मैं कैसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी. लेकिन ये डायरेक्टर को मैं 2009 से जानता हूँ. उसके साथ मैंने काम किया है जहाँ पर ये 13 साल का बच्चा था. 13 साल अभी ये खुद डायरेक्टर बन गया. उसने 2 फिल्में बनाई हैं अर्थ. उसके बाद ये काम चालू है. सो ही हैज़ बिकम अ गुड डायरेक्टर. ये नहीं गुड डायरेक्टर, सच्चे दिल से उसने फिल्म बनाई है. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये फिल्म देखें. फिल्म देख के आपको मज़ा आएगा. मुझे तो काम करते वक्त बहुत मज़ा आया. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.